ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के मधुर मुरलिक 10/11/2023। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मुरलीधर जरूर बनना है। मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार हैं, बाप उन पर ही राजी होता है। प्रश्न, किन बच्चों की बुद्धि बहुत बहुत निमान हो जाती है? उत्तर, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर सच्चे फाइलेंथोफिस्ट बनते हैं, होशियार सेलमैन बन जाते हैं, उनकी बुद्धि बहुत बहुत निमान हो जाती है। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन हो जाती है। दान करने में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। हमेशा बुद्धि में रहे कि शिव बाबा का दिया हुआ दे रहे हैं, शिव बाबा की याद रहने से कल्याण हो जाएगा। गीत, तुम ही हो माता। ओम शांति। सिर्फ मात पिता वाला गीत सुनाने से नाम सिद्ध नहीं होता है, पहले शिवाय नमा का गीत सुनकर फिर मात पिता वाला सुनाने से नॉलेज का पता पड़ता है। मनुष्य तो मंदिरों में जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, तुम बच्चों में भी नंबर वार है। कहाँ, अच्छे अच्छे बच्चे भी पॉइंट्स मिस कर देते हैं। मियाँ मिट्ठू तो अपने को बहुत समझते हैं, इसमें दिल की सफाई चाहिए। हर बात में सच बोलना, सच होकर रहना। दूसरी पॉइंट, जब शिव बाबा की दिल पर चढ़े तब रुद्र माला के नज़दीक हो और तख्त के लायक बने। लौकिक बाप की दिल पर भी सपूत बच्चे ही चढ़ते हैं, बाप के साथ मददगार बन जाते हैं। तीसरी पॉइंट, बाप आते ही हैं ज्ञान रत्नों से झोले भरने, धन की बात नहीं। बाप को सपूत बच्चे ही पसंद होते हैं, वह मुरलीधर सौदागर का बच्चा कहला ऐसे सकते। लज्जा आनी चाहिए, मैं धंधा तो करता नहीं हूँ। चौथी पॉइंट, शिव बाबा की याद रहने से तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। इनमें तो शिव बाबा आते हैं, वह मम्मा अलग बोलती है, मम्मा की हैसियत में उनका नाम बाला करना है। पांचवी पॉइंट, द्वापर से लेकर भ्रष्टाचारी पाप आत्माएं कलयुग में हैं, सतयुग में पाप आत्मा का नाम नहीं। सातवीं पॉइंट, बाप कहते हैं धन दिए धन ना घुटे, धन देंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, पद पा नहीं सकेंगे, चांस बहुत अच्छा मिलता है, रहम दिल बनना है। सातवीं पॉइंट, आजकल तो साधु समाज का बड़ा मान है, तुम लिखते हो बाप इन सब पर भी रहम करते हैं तो वह बंडर फूल खाएंगे, आगे चल तुम्हारा नाम बाला होगा। आठवीं पॉइंट, यह शिवाय नमा वाला गीत अच्छा है, तुम बजा सकते हो। मनुष्य तो इसका अर्थ समझ ना सके, तुम कहेंगे हम श्रीमत पर यथार्थ अर्थ समझा सकते हैं, वह तो गुड़ियों का खेल करते हैं। नवी पॉइंट, ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा को कोई परिपूर्ण हो गए हैं, परिपूर्ण अवस्था अंत में होगी, इस समय कोई भी अपने को परिपूर्ण कह ना सके। दसवीं पॉइंट, मज़ा आता है रात को याद करने में, इस रूहानी साजन को फिर प्रभात में याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हो, क्या से क्या बना रहे हो, अच्छा धारणा के लिए मुख्यार। पहली पॉइंट, दिल से सदा सच्चा रहना है, सच बोलना है, सच होकर चलना है। दे अभिमान के वश स्वयं को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है, अहंकार में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट, साक्षी होकर खेल देखना है, ड्रामा पर मजबूत रहना है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, अवस्था सदा हर्षित रखनी है।
वरदान बाबा ने आज दिया। स्वराज की सत्ता द्वारा विश्व राज्य की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव, जो इस समय स्वराज सत्ताधारी अर्थात कमेंद्री जीत है, वही विश्व की राज सत्ता प्राप्त करते हैं। स्वराज अधिकारी ही विश्व राज अधिकारी बनते हैं। तो चेक करो मन बुद्धि और संस्कार जो आत्मा की शक्तियां हैं। आत्मा इन तीनों की मालिक है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं? कभी संस्कार अपनी तरफ खींच तो नहीं लेते हैं? स्वराज अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिमान है, जिसमें कोई भी शक्ति की कमी नहीं। स्लोगन है आज का बाबा ने दिया, सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा, साथ हो तो कोई भी आकर्षण आकर्षित कर नहीं सकती। ओम शांति।